बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बदलावों के बारे में अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे, अब एनसीईआरटी की तरफ से भी जो सफाई इस पूरे मामले पर दी गई है उसी के तहत आपको बता दें, एनसीईआरटी कह रहा है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ है और तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव है। तो देखिए, अयोध्या चैप्टर में बदलाव को लेकर ये तमाम तरह का विवाद हो रहा है। एनसीईआरटी की इस पर जो सफाई आई है वो आपको बता दें, हमें स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा क्या छात्रों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो आक्रामक हो जाएं, ये बात कही गई है एनसीईआरटी के डायरेक्टर की तरफ से। क्या हम अपने समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हो, हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं न कि वायलेंट और डिप्रेस्ड। इसके अलावा कहा गया है कि नफरत और हिंसा किताबों का फोकस नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इसके बारे में जान सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है, ये भी कही गई है बात। इसके अलावा एनसीईआरटी के सिलेबस के भगवाकरण की कोई कोशिश नहीं है, साथ ही कहा गया कि सभी बदलाव साक्ष्य और तथ्यों की जानकारी देने के लिए है। और इसके अलावा कहा गया कि अगर कुछ अप्रासंगिक हो जाए तो उसे बदलना होगा। अवस्थी सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, जिस तरीके की यहाँ पर बातें यहाँ पर कही गई हैं ये बताते हुए कि भगवाकरण की कोशिश नहीं हुई है, हम दंगों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते, तो ऐसे तो फिर इंडिया के पार्टीशन के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी दंगों का दंश झेला गया था, उससे भी बच्चे आक्रामक हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी जैसा भी हुआ है वो ज्यों का त्यों पढ़ाया जाना चाहिए, निष्कर्ष के रूप में उसमें एक इस तरीके की बात जरूर हो जिसमें उससे आक्रामकता पैदा ना हो, बल्कि बच्चों को ये लगे कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। वार्ष्णेय जी कह रहे थे कि हम पुरातत्व से और खुदाई से और अभिलेखों से, मैंने तो अभिलेखों की बात की, कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है, मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये, और मस्जिद, बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है उसमें, मस्जिद जन्म स्थान है, सरकारी कागजों में, उस सरकारी कागजों में उस जगह का स्थान मस्जिद जन्म स्थान है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो मस्जिद जन्म स्थान कहलाई जाती थी। इन्होंने बाबरी 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 कह के करना शुरू कर दिया, लेकिन कागजों में तो मस्जिद जन्म स्थान है। और मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कि पढ़ाया जाना चाहिए कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की फौज की बजाय चीन की फौज को रक्तदान किया, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया, भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया। ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, मुझे लगता है कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भैया, मैं बीच में नहीं बोला था आपके बीच में नहीं बोला था, पोल खुल गई, पोल खुलने लगी तो बोलने लगे, एक पे एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए। वार्ष्णेय जी आपके पास आएंगे, ठीक है अवस्थी सर, जल्दी जल्दी अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज, एक एक करके बात करिए। दंगे किसने करवाए, भारतीय आजादी के आंदोलन में दंगे कौन कराता था? देव दास गुप्ता ने वहां पर पश्चिम बंगाल में हिंसा में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, इसी लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत में ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से केरल में त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में वहां पर राजनीतिक हत्याएं हुई, ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे कोई नफरत नहीं, बल्कि ये बात पैदा होगी कि हाँ किस तरीके से एक पार्टी, एक राज्य जो लोकतंत्र की बात करती है और लोकतंत्र में हत्याओं की राजनीति इमरजेंसी के हालात हो, हर चीज में टाइम टू टाइम फिर बदलाव तो किए गए ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बदलाव किए गए ना, यहाँ पे तो भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हुआ था, समूचे सारे के सारे जाट समुदाय को लुटेरा कहा गया था, गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा कहा गया था, तो बदलना जरूरी है ना। मैं तो हैरत होती है कि जिसने ये लिखा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किताबों में एनसीईआरटी की किताबों में ये छपा हुआ था। प्रोफेसर दिनेश, इस बात का जवाब दीजिए, दल के इतिहास को पढ़ाया गया बकायदा, कहीं पे उसको आतंकवादी नहीं कहा गया, हिस्टोरिकल बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे आतंकवादी नहीं किया गया, पर्टिकुलर राइटर ने लिखा हो तो लिखा हो वहाँ पे। हाँ देखा, वो राइटर कौन था? इतिहास को तोड़ मरोड़ विपिन चंद्र, चाहे पहला हो चाहे अब, बताइए ना इतिहास को तोड़ मरोड़ने का। आप तो उसको इतिहास अच्छा इतिहासकार मानते हैं ना जिसने लिखा गायत्री है, तुम देश को पार्टी की कोशिश कर रहे हो इनसे कि जिसने लिखा वो इतिहासकार कौन था? मुंह पे चपेट मारी है, अभी चुनाव में हारे तब भी तुम्हारे देखा। अरे मतलब आप लोग निजी मत हो जाइए, देखिए कहाँ चर्चा हो रही है और कहाँ आप लोग लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं, ये बातें ठीक नहीं है,
इस तरीके से ना कीजिए प्लीज। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं वरुण जी का रुख करना चाहूंगी। वरुण जी, यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये बात आपको लेकर भी कही जाती है, जब आप लोग थे तब भी कई तरह के बदलाव सिलेबस में हुए, अभी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि किताबों में इतिहास को जैसा था वैसा ही बताना चाहिए। अपने अपने चश्मे से इतिहास को ना दिखाया जाए, ना पढ़ाया जाए, ना बताया जाए, क्योंकि जो चीजें आप किताबों से हटा रहे हैं वो इंटरनेट पर तो अवेलेबल है ना, और वहां जाकर जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो अनफिल्टर्ड होगा सर, अपने हिसाब से ग्रास्प करेंगे, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तो टीचर एक कंडीशनिंग टीचर की होती है कि किस तरीके से आप किसी चीज को बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं। प्रतिमा जी, ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, अब इन्होंने तो बदलाव कर दिया, वो स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे, राज्यों के अलग अलग भी शिक्षा बोर्ड है कि नहीं, तो आप एक नीति नहीं बनाओगे जब तक, कैसे करोगे। और हमारा तो हमेशा ये पक्ष रहा है कि रिसर्च की, जैसे रिसर्च हो उसमें बड़े बड़े विद्वान उसमें रिसर्च करें, उसके बाद कोई सिफारिश हो ऐसी चीज आप सोचोगे कि भाई हम ये जो बदलाव कर रहे हैं, मान लीजिए बाबरी मस्जिद नहीं, नाम तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जो इसको प्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो सिम्बोलिक हिंदुइज्म का, उससे बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है। अब स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत के स्टेट क्या पढ़ाएंगे, तो जहां बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है वो अपनी किताबें क्या पढ़ाएंगे। तो आप फिर तो आप मतलब एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी तो होता है ना, जिसके तहत ये सारे बदलाव टाइम टू टाइम उन्हीं इतिहासकारों से चर्चा के आधार पर होते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब सबको पता है कि मुगल आए थे बाहर से, औरंगजेब क्रूअल था, ये सब चीज ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नहीं तो कहां से दोनों प्रोफेसर भी डिस्कशन करेंगे, इनको नहीं पता होता इतिहास के बारे में, तो इतिहास तो था ही जब ये प्रोफेसर बने, जब ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्टेट बोर्ड्स में जब एक रूपता नहीं होगी, एनसीईआरटी ने कर दिया, कई किताब एनसीईआरटी के अलावा बाहर की पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं स्कूल में, मैंने ही पढ़ी है, एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता था, तो बाहर से रेफरेंस बुक्स लाके पढ़ते थे, तो बच्चे वो पढ़ेंगे तो उसमें क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये चीजों को डिस्कशन करके फिर ढंग से लागू करना चाहिए। आप खाली एक अपना सिम्बोलिज्म दिखाना चाहते हो हिंदुइज्म का, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब स्टेट बोर्ड्स में आप क्या करोगे, स्टेट बोर्ड्स को चिट्ठी लिख दी क्या आपने कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार ही आप किताबें छापे। और जो भी अवस्थी जी ने एक प्रश्न उठाया, किसी राइटर ने भगत सिंह जी के लिए आतंकवादी लिख दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, 10 साल से इनकी सरकार की है, कोई भी सरकार है, क्यों एक्शन नहीं लेते, तो ये इतनी भी स्वतंत्रता लिमिट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए कुछ भी लिखते, तो ये सब चीजें तो मापदंड सरकारें तय करेंगी ना। तो हम तो इसी पक्ष में है, कोई भी बदलाव करो आप, उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था से डिस्कशन करिए और उसमें बदलाव करिए।